पब्लिक टीवी आपकी आवाज। तीसरे चरण का मतदान शुरू होने वाला है, कुछ ही देर में यहाँ पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। और हम खड़े हैं मुरादाबाद लोकसभा के महाराजा अग्रसेन मतदाता बूथ पर, जहाँ पर जो ये आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, ये कोई शादी का मंडप नहीं है, ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जो मतदाता है उसका स्वागत करने के लिए बाकायदा यहाँ पर फूल मालाएँ हैं और बाकायदा वेलकम करने के लिए लोगों को खड़ा किया जाएगा। और यहाँ पर गुब्बारे से लेकर वो सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं जिसमें एक मॉडल बूथ बनाया जा सके। प्रशासन ने और मतदाता और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को लुभाने के लिए, परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, सीधे तौर पर हम कहें कि यहाँ बाकायदा वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतज़ाम हैं। हम आपको दिखाएंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ का नज़ारा है, वो यहाँ की दिखाने की कोशिश करें। आपको बता दूँ कि जिस तरह से हर बूथ पर, हर सेंटर पर जहां गुब्बारे से लेकर वो सारी व्यवस्थाएं हैं, गुब्बारे लगे हुए हैं, और जो मॉडल बूथ जिस तरह से भी मॉडल को इसे और मॉडल बनाया जा सकता था, वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ एक ये व्यवस्थाएँ की गई हैं, जहाँ हम आपको बता दें कि गुब्बारे लगे हैं, कुर्सियाँ बिछी हुई हैं, फूल मालाओं से वेलकम किया जा रहा है, पंखे की व्यवस्था की गई है। मतलब कोई भी जो प्रशासन है, कोई भी ऐसी नहीं छोड़ी है कि जिसमें कहा जा सके कि कहीं भी 1% भी मतदाता को कोई परेशानी हो सके या कोई और तो कोई तकलीफ हो, कोई भी तकलीफ प्रशासन यहाँ छोड़ना नहीं चाहता। मैं अभी अंदर चलेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह का माहौल है। जो यहाँ हम ये अंदर आने का रास्ता है, यहाँ मतदाताओं के अंदर आने का रास्ता है, और ये वो सारी व्यवस्थाएँ यहाँ बाकायदा चाक चौबंद व्यवस्थाएँ की गई हैं, CCTV फुटेज लगे हुए हैं। सीधे तौर पर कहें कि आदर्श मतदान केंद्र जिसे कहा जाए वो यही है। और क्योंकि अभी वक्त है, कुछ वक्त में अभी वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर वो सारी व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी हैं और सभी तैयारियां की जा रही हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से जिस तरह से यहाँ ये उस बूथ को मॉडल बनाया गया है, क्या मतदाता इस ओर कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज छुटपुट घटनाओं और हंगामे के बीच सम्पन्न हो गया। करीब 64% मतदान मुरादाबाद की जनता ने किया, लेकिन जिस तरह के प्रयास चुनाव आयोग के द्वारा किए गए थे उसमें सफलता भी हासिल हुई। अब हम आपको दिखाते हैं चुनाव की महाकवरेज, जिसका जायजा स्वयं अंकित चौहान ने लिया। क्योंकि अभी मतदाता भी लाइन में खड़े हुए हैं, वो उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो इस बार की जो वोटिंग है, उनके उनके जो दिल में है, आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं, किस आधार पर वो मतदान करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जिस तरीके से सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि तीसरे चरण का मतदान रहा है, और साफ तौर पर कहें कि अब तक जो लगातार दो चरण निबट चुके हैं, वहीं तीसरा चरण भी शुरू होने वाला है। और जो लोग हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ कि जो लोगों की लाइन लगी है, मतदाता हैं जो एक, क्योंकि जिस तरह से मतदाता आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया, उसी तौर पर देखा जा सकता है कि उसी तेजी के साथ में भीड़ भी यहाँ पर है मतदाताओं की। क्या नाम है आपका? श्यामलाल। जानना चाहेंगे कि इस बार आपके नेताओं में क्या खूबी होनी चाहिए? खूबी ये होनी चाहिए, हमारा नेता तो मोदी होना चाहिए। सही जी। क्यों कांग्रेस ना हो और क्यों और लोग ना हो, ये तो आगे की समस्या है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। क्षेत्र में किस तरह की परेशानी रहती है? जी, परेशानी जैसे बहुत सी रहती हैं, कोई सुविधा नहीं, सफाई नहीं होती। इनके आने से बहुत सफाई मिली, बहुत सुविधा मिली, बहुत अच्छा काम किया, तो इनके होने से बहुत अच्छी बात है। एक आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ की लोकल समस्याएँ क्या रहती हैं? लोकल समस्या यहाँ की तो बहुत अच्छी सुविधा है। क्या हुआ अब तक? साफ सफाई सब हो रहा है यहाँ पर। इनकी सरकार में गुंडागर्दी भी खत्म हो गई है, समझ गए, सुख शांति से रहते हैं सब लोग। जानेंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस आधार पर वो वोटिंग करने वाले हैं, क्या आपके नेता में खूबी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, अतर सिंह, एडवोकेट। जानना चाहेंगे क्या होनी चाहिए खूबी? जो एक नेता में होनी चाहिए, वो हमारे BJP नेता में पूरी सारी खूबियाँ हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है हमारे क्षेत्र में, और देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, तो इसलिए सारी पार्टियाँ एकजुट होकर के मोदी सरकार को रोकना चाहती हैं, ताकि उन्हें भ्रष्टाचार करने का मौका मिले,
गड़बड़ी का मौका मिले पूरा। कांग्रेस ने 70 साल लूटा देश को, लेकिन हमारे 5 साल में मोदी जी ने देश को बहुत आगे बढ़ा दिया, एक महाशक्ति के तौर पर भारत को पेश कर रहे हैं, तो इसलिए हम फिर चाहेंगे मोदी सरकार आए। चाचा आपसे जानना चाहेंगे, आपको बहुत वक्त हो गया होगा मतदान करते हुए, और जानना चाहेंगे कि आखिरकार कैसे किस आधार पर आप वोटिंग करने वाले हैं इस बार? भैया हमें आधार क्या मांगे तो वोट देना बस, और क्या करना है। आपकी एक दिली इच्छा रहती होगी कि इस नेता में ये खूबी रहनी चाहिए? हाँ यार, जो भी मतलब आए तो अपना विकास करे सही, और क्या चाहिए। कितना बदलाव हुआ? बदलाव अच्छा खासा हो गया, खूब हो गया मतलब। तो ये थे दबी जवान, जिसे अब कहा जा सकता है कि अभी एक दबी जवान है, अभी सीधे तौर पर लोग उभर नहीं आए, बाहर नहीं आवाज़ अपनी निकाल रहे। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार वो क्या चाहती हैं, और वो क्योंकि युवा भी हैं, अब उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार किस तरह के आधार पर वो अपना वोट करने वाली हैं। वोटिंग करने आए हो? क्या कैसा नेता होना चाहिए? जैसा मोदी जैसा। यहाँ तो सीधे तौर पर मोदी की बात चल रही है। बेटा आप पहली बार वोट करने आए हो, कैसा लग रहा है जानना चाहेंगे? सही लग रहा है। क्या उम्मीदें रहेंगी आपको अपने नए नेता से? क्या होना चाहिए आपके मुरादाबाद में? सब कुछ होने चाहिए जो नहीं है जी। बाहर पढ़ने जाते हो जी? क्या लगता है जब पढ़ने जाते होगे, क्या कहीं कोई दिक्कतें आती हैं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताएं कि अम्मा आपसे जान लें कि क्या होना चाहिए आपके एक नेता में, क्या ऐसी होता चला जाए। तो देखा आपने कि जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए वो सभी प्रयास किए गए थे जो एक अच्छे प्रशासन को करने चाहिए। हम हैं फिलहाल आरएन इंटर कॉलेज में, जिसे मॉडल बूथ बनाया गया है, जिसमें करीब 4 बूथ बने हैं और एक मॉडल मतदान केंद्र बनाया गया है। सीधे तौर पर कहें कि जो यहां पर लोग हैं, मतदान के शुरू हो चुका है, मतदाता लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ जो वोटर हैं वो वोट करने के बाद में निकल चुके हैं, और सीधे तौर पर कहें कि उनके उनके जो चेहरे पर एक अलग खुशी है, एक अलग माहौल है, एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम चलेंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो जो यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं, जो जिस तरीके की तैयारियाँ की गई हैं, थोड़ा सा वो दिखाने की कोशिश करें और दिखाएं कि आखिरकार जो जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं, उनके उनके दिल में आखिरकार क्या है, वो चाहते क्या हैं। सबसे बड़ा सवाल है, एक देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर चुनाव है, तो कहीं ना कहीं बात करेंगे लोगों से कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, और वो किस आधार पर इस बार मतदान करने की तैयारी। सबसे पहले बात करेंगे एक युवा वोटर की, जो इस देश का भविष्य होगा और जो इस देश की नींव को आगे बढ़ाने में और देश के भविष्य को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशाग्र है, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। तो मैं वोट डालने इसीलिए आया हूँ क्योंकि ये मेरा अधिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस होती है। अगर मैं वोट नहीं डालूंगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि मैं क्वेश्चन पूछ सकूँ किसी गवर्नमेंट से। जानना चाहेंगे कि आखिर क्या होना चाहिए, लोकल बेस पे आप इस बार मतदान करने वाले हैं या सिर्फ देश को देखकर मतदान करने वाले हैं? देखिए, ये तो लोकल तो मतदान होता ही रहता है, ये तो देश का मतदान है ना, तो हमें सेंट्रल लेवल पे, ऊपर लेवल पे देखना है कि किसको हमें सेलेक्ट करना है, इसी को मैं ध्यान में रखते हुए वोट डालूंगा। एक एक प्रधानमंत्री की खूबियां और एक एक लोकल बेस, जो आपका जो एमपी होना चाहिए, बात करें तो क्या खूबियां होनी चाहिए उसमें? मैं तो यही चाहूँगा कि एमपी लोगों से कनेक्टेड रहे और वो डेवलपमेंट, वो उसकी सोच प्रोग्रेसिव हो, वो रूढ़िवादी ना हो, वो चाहे कि सब पक्षों को मिला के चले और डेवलपमेंट की तरफ सोचे। एक युवा होने के नाते क्या चाहते हैं? एक युवा होने के नाते तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर अच्छा रहे, मेरे और मेरे साथ के जो लोग हैं उनको जॉब्स मिलें और हम लोगों को एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी मिलें, मैं तो यही चाहूँगा। तो ये थे हमारे वो युवा जो इस देश का भविष्य, जो इस देश का भविष्य सीधे तौर पर तय करने वाले हैं। कुछ लोग और भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। बात करने के बाद अगर आपसे जानना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है? कोमल कुमार जैन। किस आधार पर इस बार गवर्नमेंट चुनने वाले हैं? विकास के आधार पर।
क्या मुद्दे हैं, क्या लोकल मुद्दे पर चुनाव? प्रधानमंत्री का मुद्दा मेन। एक एक अगर लोकल नेता की बात करें, कैसे क्या खूबियाँ होनी चाहिए? लोगों को सुने और शहर का विकास करे। कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? मोदी जैसा। देखिए यहाँ सवाल कुछ और ही है। कुछ देश की आधी आबादी, जिसे कहें कि जो आधी आबादी है और उसकी भी कहीं ना कहीं एक बड़ी भागीदारी रहती है, तो जानेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी आखिरकार वो किस तरह से वो चुनाव इसमें शामिल होने वाले हैं और क्या आखिरकार वो करने वाले हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिरकार आगे जो आप वोट करने आए हैं, क्या क्या आधार रहने वाला है आपका, क्या होना चाहिए? बस विकास होना चाहिए देश का। क्या उम्मीदें रहती हैं नई गवर्नमेंट से रहने वाली है? उम्मीदें जो जो जरूरत है पब्लिक को वो होनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, हम आपसे जानेंगे कि क्या क्या खूबियां होनी चाहिए आपकी एक नई गवर्नमेंट? यही कि पूरे दुनिया भर में एक नाम हो हमारा, जिस तरह अभी भी हो रहा है, और अगर कोई भी आतंकवादी हमला हो या कोई भी चीज़ हो, अपनी सिक्योरिटी के लिए हम लोग स्ट्रांगली खड़े रहें। अगर आपके आपके दिल में क्या रहता है कि नई गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें रहती हैं, नए नेता से क्या उम्मीदें रहेंगी? वही कि विकास हो, देश का विकास हो। हम अभी तक डेवलपिंग कंट्री हैं आज़ादी के इतने साल बाद भी, तो हम इतना विकास करें कि हम डेवलप्ड कंट्री में आ पाएँ और पूरे दुनिया भर में हम लोगों का नाम हो सब लोगों के साथ। हम लोग ये ना सोचें अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है और हम बहुत छोटे हैं, उनके हम कदम से कदम मिला के हम उनके जैसा बनने की, मतलब हमें लगे हम में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, सीधे तौर पर कहें एक अच्छी गवर्नमेंट बनाने की तैयारी है। आप पहले वोट करने आए हैं तो आप लाइन में क्यों खड़े हुए हैं फिलहाल? चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार क्या चाहते हैं वो। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम डी के गुप्ता जी। कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं? जो अच्छा प्रशासन दे सके, लॉ ऑर्डर अच्छा मेंटेन करे, सबों के जरूरतों का ध्यान रख सके और एक देश को आगे बढ़ा सके। जो एक एकता बना सके। एक अलग माहौल है राजनीति का, क्या कहें, क्या क्या ये सही है? एक एक आम नागरिक क्या सोचता है इस राजनीति को देखकर? आम नागरिक यही सोचता है कि सब में आपस में भाईचारा हो, सब मिल कर के रहें और देश को आगे बढ़ा सके, देश का विकास हो, आम नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। जिस तरीके की ये कटाक्ष रहते हैं राजनीति को लेकर और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, क्या क्या कहीं इससे आम आदमी पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है? आम आदमी थोड़ा सा डिसहार्टेड तो होता है कि ये लोग अपने वोट की राजनीति करते हैं और इससे इसी कारण वोटिंग भी बहुत कभी कभी बहुत कम हो जाती है। सब सोचते हैं कोई भी आदमी अपने ही मतलब के लिए काम कर रहा है, पब्लिक का ख्याल नहीं रख रहा है, तो ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। ये थे देश का एक नई दिशा देश को देने वाले और जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो मतदाता है वो वोटिंग परसेंटेज वोटिंग में भागीदारी निभाना चाहता है, लेकिन जिस तरह की जो कटाक्ष है, जिस तरह से लोग जो नेता हैं वो इस राजनीति का एक जो अलग माहौल बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक आम वोटर पर वो एक उसका के लिए एक पीड़ा का कारण बनता है। देखना यह होगा कि 23 मई को किसके सिर पर ताज सजने वाला है। अब करेंगे जनता से बात कि आखिरकार जनता ने किस आधार पर मतदान किया। इसके अलावा शहर के अन्य मतदान स्थलों पर भी हम पहुंचे और देखा कि लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं और अपने मतदान करने का इंतजार कर रहे हैं। मतदान के महापर्व में प्रशासन अफसर भी पीछे नहीं रहे, सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डाल दिया क्षेत्र की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए, जैसे काम हो रहे हैं, जैसे शिक्षा है और बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसलिए अपने मत का प्रयोग करा। क्या इस बार भी क्षेत्रीय विकास को देखकर वोट किया है आपने या फिर देश को देखकर? देश को देखकर भी और क्षेत्र को देखकर। नाम को या काम को? काम को जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? ये चाहेंगे कि अच्छी सरकार बने, सबका साथ सबका विकास हो।
कुछ जो वोटर है जो मतदान करने के बाद वो मतदान केंद्र से बाहर निकले हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्होंने किस तरह से आखिरकार वोट चुना है और किसको उन्होंने वोट किया, आपसे जानना चाहेंगे। क्या क्या नाम है आपका? मीना रानी। आपने वोट कर दिया जी। क्या क्या आधार चुना है अपने नई सरकार का, क्या होना चाहिए? मतलब देश अच्छा होना चाहिए, विकास होने चाहिए। क्या इस मोदी सरकार उसको चाहते हैं? क्या इस बार भी एक लोकल कैंडिडेट को देखा जाएगा या देश की कुर्सी देखी जाएगी? देश की कुर्सी देखी। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? टोपजंग है मेरा नाम। जानना चाहेंगे कि आधार जो है क्या, किस किस आधार पर आपने इस बार वोटिंग की है? विकास के आधार पर ही किया, विकास जो हो रहा हो ही रहा, जो आगे अच्छा विकास हो आने वाले टाइम पे, चुनी नीति गठबंधन सरकार न हो, एक नियुक्त सरकार हो, बहुमत वाली सरकार हो जी, यही चाहते हैं। अच्छा देश का विकास अच्छा हो, प्रोग्रेस अच्छा हो, विदेशों में नाम चली रहा और आगे देश का और विकास हो। आपकी उम्मीदों पर कौन खरा उतरने वाला है? मोदी। ये थे वो वोटर जिन्होंने अपने मतदान का उपयोग किया है और मताधिकार का प्रयोग करते हुए सीधे तौर पर कहें कि एक देश को नई दिशा देने का काम किया है। सिंह हैं जो पूर्व MLA रहे हैं, उन्होंने अभी अपने मतदान मत का इस्तेमाल किया है। जानेंगे कि आखिरकार वो किस तरह की सरकार चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं और किस आधार पर उन्होंने आखिरकार ये वोट किया है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस आधार पर अपना वोट। मैंने जुमलोवादी सरकार के खिलाफ वोट किया है और झूठों के खिलाफ वोट किया है। इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता देश का जितने ये हैं। ये कहते हैं कि गुरु नानक देव और हमारे दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी विवेकानंद मंत्रणा करते थे, उनको 550 साल हो गए गुजरे हुए। इतनी झूठ बात जो रिकॉर्ड में है उसको भी झूठ बोलते हैं। 15 लाख रुपए सब जी जेब में चले जाएंगे, काला धन आ जाएगा, कहीं कुछ नहीं हुआ, झूठ। और इतना कहने को ये है कि जो लड़के शहीद हुए हैं उनके नाम पर वोट मांग रहा, उनके पोस्टर लगा रहा है और मंच से कहता है उनके नाम पर वोट दो। ये कोई तरीका हो गया कि वो शहीदों के नाम पर वोट दो? क्या माहौल है, माहौल क्या है इस वक्त मुरादाबाद? माहौल ये है कि हम 1.5 लाख से ऊपर सीट जीतेंगे डॉक्टर स्टेशन की, साइकिल का, BSP का, लोकदल का माहौल है और यहाँ नहीं पूरी UP में माहौल है। अभी मेरी बताई बात हुई, बम्पर चल रहा हुआ। कांग्रेस की स्थिति क्या रही? कांग्रेस कुछ नहीं, जीरो, कुछ नहीं, कांग्रेस का कुछ नहीं, पूरी यूपी में कुछ नहीं। एक ऐसे एक युवा कैंडिडेट को उन्होंने मुरादाबाद में उतारा है? नहीं, अरे वो लड़का बाहर का, देखो अब शेरो शायरी अलग बात है, वो लोग सीरियस नहीं लेते उसको वोट के लिए। वोट के लिए तो डॉक्टर STSN। तो और BJP जो रहे हैं सांसद भी हैं उनकी क्या? उनको सब जानते हैं, उनको क्या करना, मैं क्या बताऊँ। उनका सुबह से मजमा लग जाता, रात तक चलता दौर है धारा। अभी उन्होंने बड़ापुर में क्या कांड हुआ देखो, दो जाटों को गोली लगवा दी जी। वो ये इसलिए कि मुसलमान और जाट प्रजा सब एक साथ वोट कर रहे हैं, मेरी बात हो गई। तो मतलब सिर्फ माहौल गठबंधन के अलावा किसी और का नहीं? नहीं नहीं, अभी देखिए आप DM ने, मैंने कहा DM से, जो आपने भी देखे होंगे कितने कितने होर्डिंग लगे हैं PM के, वोट दीजिए अब की बार फिर सरकार। कोई तरीका है? अब जब चुनाव चल रहे हैं तो उनके वोट क्यों लग रहे, जब हमारे नहीं लगे? मैंने कहा तो कहना परमिशन, मैंने परमिशन हमको भी दो, बोले कागज भेज दो, कागज भेजा तो DM का पता नहीं कहाँ गए कागज, चुपी साथ गए। ये बिल्कुल सरासर प्रशासन भी मिला हुआ, लेकिन होना कुछ नहीं है, आपको लड्डू खिलाएंगे हम जीते। तो ये थे चौधरी संवरपाल सिंह जी जिन्होंने बातचीत की है।